Assalamualaikum everyone, me Shyam and Watch Technical Expert Man. In this video, I'm telling about you how to edit your videos and photos in desktop application. कुछ इस तरह का है विस्को एप्लीकेशन का इंटरफेस। जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। प्लस वाले ऑप्शन पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पे एक और प्लस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का। देन आपने इस पर क्लिक करना है और आप चले जाएंगे आप अपनी गैलरी में। वीडियोज़ पे आपने क्लिक करना है, जिस वीडियो को आपने एडिट करना है उस वीडियो पे आपने एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, उस पर आपने कर देना है क्लिक। देन दोबारा फिर आपने उस पर क्लिक करना है जिस वीडियो को आपने एडिट करना है। एडिट करने के बाद नीचे आपको कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सबसे बॉटम पे तमाम के तमाम मिल रहे हैं फिल्टर्स, जिसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल करने के लिए, ये जितने भी हैं। देन आपने यहाँ पे करना क्या है कि आपने अपनी वीडियोस को एडिट करना है, कलर ग्रेडिंग करना है। देन हम आ गए हैं कलर ग्रेडिंग वाले डिपार्टमेंट में। अब ये सारे के सारे ऑप्शन कलर ग्रेडिंग है। देन हमें यहाँ पे मेन पर्पस जो ये है कि हमने पीछे बैकग्राउंड को बड़ा खूबसूरत करना है, जिस तरह लाइट रूम में है। तो ये आगे जी सब कुछ। अब यहाँ पे मसला क्या है कि जो आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं ज़्यादातर ग्रीनरी, जिसको आप सब्जा बोल सकते हैं वो है। दोबारा फिर जाते हैं, हमने यहाँ से टैप करना है सब्ज कलर को, और आपने अपने हिसाब से, ना कि मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से अपनी वीडियो को सेट करना है। अगर तो आपके कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो फिर शायद आपको कम ज़्यादा ना इतना करना पड़े। तो ये आपने अपने हिसाब से और अपने माइंड से अपनी पिक्चर को देख के करना है। देन जो जो कलर आपकी वीडियो में यूज़ हो रहा, जैसे ये मैंने यूज़ किया है अब येलो कलर। अब येलो कलर क्या है कि थोड़ा बहुत फेस को ये क्लीन कर देगा, अगर इसको मैं इस्तेमाल सही से करता हूँ तो। देन अगर हम रेड की बात करें तो रेड वाला ऑप्शन तो आई थिंक वीडियो में कोई भी चीज़ नहीं है। जौन सा कलर आपकी वीडियो में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा उसको आपने यूज़ करना है, जैसे ग्रीनरी और सब्ज़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, देन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब आ जाता है कि आपने इसका एक्सपोज, उसको आपने सेट करना है, ज़्यादा भी नहीं करना आपने उसको, थोड़ी उसकी ब्राइटनेस कम कर देनी है, ये भी आपने अब खुद एडजस्ट करना है। देन यहाँ पे आ जाता है कंट्रास्ट, आपने अपने कंट्रास्ट को मैच करना है अपनी वीडियो के हिसाब से। तो देन यहाँ पे कंट्रास्ट को हम सेट कर लेंगे जिस तरह आपकी, थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज करते हैं 1.2 या 1.3 के अराउंड बोर्ड। देन सैचुरेशन को भी आपने सेट कर लेना है, ये मैक्सिमम जाएगी तो 1.7 या 1.6 के दरमियान, इससे ऊपर जाएगी तो आपकी वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। देन ये जो जितने भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन मैटर करते हैं कि आपकी वीडियो बनी किस जगह पे है। देन उस हिसाब से आप इन तमाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कैसे करें, एक्सपोर्ट करें और किस तरह करें। ठीक है जी, अब थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आई थिंक आप बोर भी नहीं हो रहे होंगे इस वीडियो को। अब इस वीडियो को शॉर्ट टर्म में ले जाते हैं, यहाँ से करते हैं इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट। सबसे ऊपर बॉटम पे आपको नज़र आ रहा होगा एक्सपोर्ट का, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। एंड ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक न्यू कंटेंट के साथ, आप रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल।